तो हे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करें एक्मी सी फेस वॉश के बारे में। इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि डार्कनिंग फेस के लिए, और जैसे कि आपको पिंपल्स व उसका जो डार्क्स रहते हैं या सन स्पॉट के डार्क रहते हैं, जैसे कि ड्राई आपका जो सन स्पॉट की वजह से आपका स्किन डैमेज हुआ है, तब ये फोटो डैमेज हुआ है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कब डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड करते हैं या किस तरह की समस्या में आप इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा ले सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे कि अपडेटेड रहना चाहते हैं फ्यूचर में मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो एक्मी सी फेस वॉश, इसे सोल डर्मा फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी द्वारा जो स्किन में बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट में। और इसका जो कॉस्ट है वह 75 ग्राम के लिए 395 रुपया। तो एक्मी सी फेस वॉश के अंदर जो की इंग्रेडिएंट है वह हाइलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन सी है, और इसके अंदर ऐड किए गए मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट, और जैसे कि इसके अंदर ऐड किए गए हैं फेस को क्लीन करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट, सर्फेक्टेंट वगैरह यूज किए गए हैं इसके अंदर। तो बहुत अच्छा है, इसका इस्तेमाल करते तो आपकी स्किन काफ़ी ब्राइटन दिखती है, और जैसे कि पिंपल्स के दाग वगैरह रहते हैं तो वह उसका फेडिंग होने लगता है, या जैसे कि आपको स्पॉट डैमेज हुआ है जिसके वजह से जो डार्क स्पॉट पड़े तो वो भी जो कि फेड होने लगता है जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्टली इसके दिन में ट्वाइस अप्लीकेशन रहता है, और इसके अंदर ऐड किए गए बीट्स, तो ये भी अच्छे से आपको जब आप इसका इस्तेमाल करना चाहते तो आपके हाथ में आने के बाद एक थोड़ा सा पानी लें अपने हाथ पे, पहले इसे थोड़ा सा आप इसे थोड़ा सा मस लें, उसके बाद जो फेस वाला आता है तो अपने फेस पे पहले गीला कर लें, उसके बाद अपने फेस पे लगा के एक 20 सेकेंड तक मसाज करें, उसके बाद आप इसे फेस वॉश कर लें, और काफ़ी अच्छा आप देखेंगे रिफ्रेशमेंट आपको देखने को मिलता है जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं। आपका स्किन ब्राइटन होने लगता है। इसके अंदर जो ऐड किया गया विटामिन सी, तो ये क्या करता है कि एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हेल्प करता है वेसल्स के फॉर्मेशन में, स्किन को ब्राइटन होने में। जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड भी यही काम करती है, ये भी स्किन को एक अच्छा सा ब्राइटन देता है, यानी गोरा लुक देने में हेल्प करता है, और जो दाग धब्बे रहते हैं उसे कम करने में हेल्प करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में आप कंसल्ट करें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। ये पिंपल्स में भी दिया जाता है, जो कि ये पिंपल्स में जो डस्ट वगैरह रहते हैं या धूल के कण रहते हैं उससे जो कि क्लीन करने में हेल्प करता है, और पिंपल के दाग्स को फेड करने में हेल्प करता है। तो मोस्टली अवेलेबल मिल जाता है मेडिकल में, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार व्यूटे हैं, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और फ्यूचर में ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हैं मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका डाउट है एक्मी सी फेस वॉश रिलेटेड से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।